उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सभी लर्नर्स को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश बिष्ट है और मैं यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। और आज मैंने बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का जो बुक है MT07 उसको लिया हुआ है और इसके हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। और इसकी फर्स्ट यूनिट है समूह और उपसमूह। और हम जो ये जो भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे इसमें हम बेसिकली सभी दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी दोनों तरह के बच्चों का ध्यान रखेंगे। अधिकतर हम यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड बोलेंगे और हिंदी में जो भी इनके मतलब है वो भी बता देंगे, लेकिन उनको समझने का तरीका मैथमेटिक्स में आप लोगों को पता ही है सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हम आज का जो यूनिट फर्स्ट है आपकी वो है समूह उपसमूह, जिसको इंग्लिश में ग्रुप एंड सब ग्रुप नाम से दिया हुआ है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके आज हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे। पहले हम कहते हैं जो हमारे वेल नोन सेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके क्या क्या प्रॉपर्टियाँ हैं। और कहते हैं जो भी इस चैप्टर में आपके आगे आने वाले जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक हो गया। और सबसे पहले हम लेते हैं सेट। बेसिकली सेट क्या होता है? ये होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। स्क्रीन में हो सकता है मेरे जो राइटिंग है कुछ साफ ना दिखाई दे, लेकिन आप मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसको आप उससे भी लेते हुए चले। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय। तो ऐसा एग्जांपल कलेक्शन ये क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड से हमारा मतलब है जैसे मैंने अगर कोई एक सेट बनाया, इसके अंदर मैंने आम रखा, अमरूद रखा, और अगर मैंने यहां पर एक किसी जानवर का नाम लिख दिया कुत्ता जैसे डॉग, तो क्या हम इसको सेट कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें एक कहीं पर हम फलों की बात कर रहे हैं और कहीं पर हम जानवरों की बात कर रहे हैं, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो सेट किस तरह का होगा? जैसे हम सिर्फ फलों का सेट बना रहे हैं ना, वो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, जितने भी हमारे आम अमरूद और जो भी फल है पपीता, तो इसको हम सेट कहेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा, हम कुछ जो आपको मैथमेटिक्स में जो अधिकतर आप जो सेट्स जिनके बारे में आप पढ़ेंगे उनके हम बात कर लेते हैं। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं नेचुरल नंबर के सेट को। इसको हम n से भी डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर इसको हम n से डिनोट करेंगे। तो इसमें कैसे कैसे एलिमेंट आते हैं? इसमें आता है 1, 2, 3 और एज इट इज हम चलते जाएंगे। हाँ, इसमें मतलब देखा जाए तो पूर्ण नंबर आते हैं, पूर्ण नंबर। जैसे इसमें पॉइंट उसमें हाफ 1.2, 1.3 इसकी बात नहीं हुई है। तो जो भी ये हमारा सेट होगा इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। ना इसको हम यहां पर W से भी डिनोट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, वो होता है 0। ठीक हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं जो नेचुरल नंबर का सेट है वो पूरी तरह कंटेन हो रहा है किसमें, होल नंबर के सेट में। तो हम यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ W। अब यहां पर आता है ये सबसेट, ये
कभी कभी आपको इस तरह का भी लिखा जाएगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पर हम इक्वालिटी भी लगाएंगे। तो ये क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब होता है कि नंबर हो सकता है कि नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर बी के बराबर हो ना। और अगर हम किसी सब किसी हम आगे हम जो किताब में है आगे हम बहुत सी जगहों पर हमको कहीं पर ये प्रूफ करना पड़ जाए कि सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ बी, कि सेट ए हमारा सेट बी के इक्वल है, तो हम क्या दिखाएंगे मैथमेटिकली, हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम दिखाएंगे। अगर हम पहले हम दिखाएंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और दूसरी बार हम दिखाएंगे क्या बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब पहली बार में हम दिखाएंगे कि जितने एलिमेंट ए के अंदर है वो बी के अंदर तो है ही है, और दूसरी बार ये दिखा देंगे कि जितने एलिमेंट बी के अंदर है वो ए के अंदर है। तो आज से हम इन दोनों चीज से हम ये डिफाइन कर देंगे कि दोनों सेट आपस में बराबर है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद लेते हैं हम इंटीजर्स। इसको हम मैथमेटिकली जो नोटेशन हम यूज करते हैं आपकी किताबों में जो यूज किया जाएगा, कहीं पर जे के रूप में भी लिया जाएगा किसी किसी बुक्स में, और कभी कभी हम इसको आई के रूप में भी लेंगे। तो जो नेचुरल जो सेट ऑफ इंटीजर होता है उसमें किस तरह के एलिमेंट आते हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ऐसे चलते जाएंगे। तो यहां से आप सीधे देख सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वो किसके अंदर था, होल नंबर के अंदर था। हाँ, और वैसे ही जो हमारा जो ये देखिए जो वन टू थ्री और जीरो ये होल नंबर है, जो वन टू थ्री है ये हमारे नेचुरल नंबर सेट के अंदर भी थे। तो जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या करेगा, इन दोनों को कंटेन करेगा ना। तो जो नेचुरल नंबर जो सेट ऑफ इंटीजर है हमारा वो नेचुरल नंबर को भी कंटेन करेगा और सेट ऑफ होल नंबर को भी कंसिस्ट करेगा। उसके बाद आता है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद आता है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और ये कैसे डिफाइन होता है, ये इसके अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं, जहां क्यू क्या होता है हमारा पी और क्यू दोनों हमारे क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, जहां पी और क्यू दोनों हमारे इंटीजर होते हैं। और एक कंडीशन और होती है क्या, कि जो क्यू हमारा होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब एग्जांपल में हम इसको इसकी एक डेफिनेशन और भी है, इसकी ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं जो आइदर रीअकर और टर्मिनेट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब जैसे ये देखा होगा आपने कुछ नंबर, जैसे एग्जांपल में अगर हम ये लें 0.1111 जो चलता जा रहा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो अगर हमें इसको आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि हम इसको 1.1 के बाद बार लगा देते हैं, बार का मतलब क्या होता है कि 1 हमारा चलता जा रहा है, यही बार बार आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब, और इसी तरह ये चलता जाएगा ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है 0.1, फिर प्लस इसका मतलब क्या है 0.01, इसका मतलब क्या है 0.0, इसका मतलब है क्या 0.001, सिमिलरली ये आगे को चलता जाएगा।
तो अगर हम इस पूरी सीरीज को जोड़ें, जो कि क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है ये, तो हम कहाँ तक आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आएंगे। तो जब हम इस पूरी सीरीज को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही नंबर मिलेगा। हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि ये नंबर इस फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे वो देखिए। अब यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक सीरीज ना, तो यहाँ पर ये देखिए जो हमारी ये सीरीज है, जो ये हमारी सीरीज बन रही है, ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/10, और इसका कॉमन रेशियो जिसको हम आर कहते थे वो क्या है हमारा, वो क्या है, वो भी 1/10 है। तो इसको हम, तो जो ये अगर ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है तो इसके इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होता था, वहां ज्योमेट्रिक सीरीज में इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता था, a ओवर 1 - r। तो यहां पर हमारा पहला टर्म क्या है, 1/10 ओवर 1 - और हमारा कॉमन रेशियो भी क्या है, r, वो भी क्या है, कॉमन रेशियो क्या होता था, सेकेंड टर्म को हम डिवाइड करते थे फर्स्ट टर्म से, तो जो भी आता था नंबर उसे हम कॉमन रेशियो कहते थे। तो वो क्या है हमारा, वो भी 1/10 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1/9। अब देखिए ये लिखा गया नहीं इस फॉर्म में, ये p/q की फॉर्म में लिखा गया, यहाँ 1 भी क्या है इंटीजर, 9 भी क्या है इंटीजर, और हमारा 9 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिखते नहीं है, लेकिन 9 हमारा, मतलब नीचे की क्वांटिटी हमारी क्या है, 0 नहीं है। तो हम इसको देखिए, हमने इस सीरीज को भी क्या लिख दिया, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया। तो रेशनल नंबर को या मैथमेटिकली हम ऐसे भी शो करते हैं, और अगर एक डेफिनेशन की वगैरह उसमें कहें तो ऐसे नंबर जो आइदर टर्मिनेट और रीअकर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब आता है उसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो नाइदर टर्मिनेट और नॉर रीअकर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जैसे अब आता है हमारा इरेशनल नंबर, इसको हम कभी कभी क्यू कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट करते हैं। जो हमारा क्यू था वो था रेशनल नंबर, और अगर हम इरेशनल कहें तो उसको हम क्यू कॉम्प्लीमेंट इससे डिनोट करते हैं। तो इसके एग्जांपल में क्या होगा, इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, नंबर्स विच आर नाइदर टर्मिनेट नॉर नॉर रीअकर, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही दोबारा प्राप्त होते हैं, किसके बाद, दशमलव पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही दोबारा प्राप्त होते हैं, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल में ये इसका एग्जांपल देखिए, जैसे समेशन 1/10 n², जहाँ n हमारा कहाँ जा रहा है, 1 से ∞। ये जो ये सीरीज है ये हमारी क्या है, इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, ये नंबर जो है ये हमारा इरेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि अगर हम n बराबर 1 पुट करें तो पहला टर्म हमको क्या मिलेगा, 10 1/10, दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 1/10², तीसरा नंबर क्या मिलेगा, 1/10³, और इसी तरह, सॉरी यहां पर होगा 4 और यहां पर होगा 9। इसी तरह हम n = 4, 5, 6 पुट करेंगे तो हमको ये सीरीज मिलते जाएगी। अब देखिए जो ये हमारा क्या है, 0.1, ये हमारा क्या बना, 0.0001, ये हमारा क्या बना, प्लस 0.0000000, ये बना। अब हम जब हम इसको पूरे को ऐड करेंगे, जब हम इस पूरे को ऐड करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, देखिए पॉइंट पॉइंट वन जीरो 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 वन जीरो 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 आठ, फिर ऐसे ही जीरो 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 जीरो, ये देखिए। तो यहां पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो जो कोई भी नंबर है वो हमको लगातार प्राप्त नहीं हो रहा है ना। यहां पर जो वन है वो कभी फिफ्थ पोजीशन में हो रहा है मिल रहा है, कभी नाइन्थ पोजीशन में मिल रहा है। तो हम इस सीरीज को हम ऐसा नहीं कह सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि दशमलव के बाद हम किसी कोई भी नंबर ले लिया उसके पीछे बार नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमको बार बार नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे कि ये जो हमको बार बार मिले, तो हम इस तरह ये नंबर हमारा क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर। ठीक हो गया। अब हम आपके जो आपकी बुक है उसमें आते हैं। यहां पर जो हमारे कुछ जो हमने किन किन सेट के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा हम यहां पर रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो आपके ग्रुप जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया यहां पर नेचुरल नंबर के बारे में, जो कि सबसेट है किसका, होल नंबर का। होल नंबर आपका सबसेट है किसका, इंटीजर का। आपका जो इंटीजर है वो किसका सबसेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर का। कैसे, जैसे इंटीजर में मैंने क्या कहा था, जीरो आता है, प्लस माइनस वन आता है, प्लस माइनस टू, ये हमारा क्या बनाता है, सेट ऑफ इंटीजर ना। तो सेट, अब जैसे अगर मैं वन लिखूं, अगर मैं जीरो ही लिखूं, मान लीजिए जीरो ही लिखूं, देखते हैं कि क्या जीरो सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर आता है या नहीं, क्योंकि जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो बाई वन ना। तो देखिए जो उसकी डेफिनेशन है वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या कि जो पहला याला किस तरह का था, पी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते थे एलिमेंट, जहाँ क्यू हमारा नीचे वाला टर्म क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो था। तो देखिए ऊपर वाले टर्म के लिए हम कोई कंडीशन नहीं है, नीचे वाले टर्म के लिए कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर जीरो भी इंटीजर है, वन भी हमारा इंटीजर है, और वन नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा जीरो है, जो हमारा जीरो है वो इंटीजर तो है ही है, वो हमारा रेशनल नंबर भी है। इसी तरीके से हम वन को भी कह सकते हैं, वन को क्या लिख सकते हैं, वन बाई वन ना। तो उसको भी वो भी हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर भी हो गया। उसके बाद आता है इससे बड़ा सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब जो सेट ऑफ ये रियल नंबर है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है यूनियन किसका, सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ इरेशनल नंबर का। मतलब कहा जाए कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं कहां से लेकर कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, इसके बीच जितने भी नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होता है, एक सेट आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट किस तरीके से डिफाइंड होता है, इसमें किस तरह के एलिमेंट आते हैं, ए प्लस आई बी फॉर्म के एलिमेंट आते हैं, जहां सच दैट, जहां ए और बी क्या होने चाहिए, ये रियल नंबर होने चाहिए। तो यहां पर आपने देख लिया कि जितने भी रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ गए। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर सिस्टम है वो इस तरीके से एक दूसरे का सबसेट कैसे होता है, ये यहाँ पर हमने सीखा। आज हम इस चैप्टर का जो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, ग्रुप एंड सब ग्रुप, इसमें हम इसको हम शुरू कर लेते हैं। इसमें जो भी हम बेसिकली जो भी जिस तरह के सेट आते हैं वो हमने अभी समझ लिया, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। और सबसे पहले इसमें आता है आपका द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी कंपोजिशन। क्या कहते हैं, बाइनरी कंपोजिशन। क्या होता है ये, द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया। ये तो ये क्या होता है, तो हमारा जो बाइनरी कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, वो एक मैपिंग होती है। वो क्या होती है, एक मैपिंग होती है। मैपिंग को हम किस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ क्या लिया, स्टार,
ये किस तरह की मैपिंग है, ये जी क्रॉस जी से जी में कोई मैपिंग है। यहाँ पर जी का हमारा कोई, जो जी हमने लिखा है यहाँ पर हमारा कोई भी सेट से है। कौन से सेट? जो हमने अभी पढ़ लिया, चाहे वो नेचुरल नंबर का सेट ले लो, सेट ऑफ इंटीजर। अब हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली नाम लेके नहीं कह रहे, तो हमने यहाँ पर उन सभी सेटों को हमने एक नाम दे दिया, कह दिया उसको हमने जी नाम दे दिया। तो जो बाइनरी, जो हमारा बाइनरी कंपोजिशन है वो एक हमारी मैपिंग है, कहाँ से? जी क्रॉस जी से जी के अंदर। मान लीजिए जैसे जी के बल्ले मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, हाँ, तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर में कैसे एलिमेंट आते हैं, 1, 2, 3। तो अब बात आती है कि इसका मतलब क्या है, जो हमने लिखा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल ये है कि दो हमने एलिमेंट लेने, एक इस जी से एक इस जी से। अब यहाँ पर जी और जी तो बराबर है, यहाँ पर जी और जी बराबर क्या है, एन है। तो मतलब कोई भी दो, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी आपकी मर्जी, चाहे वो आप दोनों को एक ले लीजिए या एक को एक ले लीजिए, एक को दो ले लीजिए, आपकी मर्जी। उन दोनों एलिमेंटों में आपने ये ऑपरेशन लगाया। इस ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑपरेशन हम कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं। जैसे कभी हम जोड़ने वाला ले रहे हैं, कोई भी दो नंबरों को जोड़ रहे, कोई भी दो नंबरों को घटा रहे, कोई भी दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे या डिवाइड कर रहे ना। तो ये है जो स्टार है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑपरेशन को डिफाइन करता है ना। अब इसको हम समझेंगे कैसे, इसको हम समझेंगे कैसे, क्या इसको हम समझेंगे ऐसे, जी क्रॉस जी हमारा क्या है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं। इसके अंदर आते हैं ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, सच दैट कहता कि जो ये ए है वो किसके अंदर बिलोंग होना चाहिए, जी के अंदर, और जो ये बी है वो किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, जी के अंदर ना। अब जैसे हमने कहा ये एक मैपिंग है जी क्रॉस जी से जी के अंदर। यहाँ पर हमने जी के एज एग्जाम्पल क्या लिया था, नेचुरल नंबर, यानी कि हम जैसे प्लस की बात कर रहे हैं, प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एन क्रॉस एन से एन के अंदर। तो एन, क्योंकि हमने बताया है क्या एन कैसा सेट है, 1, 2, 3, इसमें ऐसे ही एलिमेंट आते रहते हैं, ठीक हो गया। अब कोई भी दो एलिमेंट लो इसके, जैसे हमने 1 लिया प्लस, उसके अंदर क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया, दूसरा एलिमेंट कहाँ का लिया, वो भी n का ही लिया, 2। तो 1 + 2 करके हमको क्या मिला, 3। देखिए जो ये 3 है, इसका मतलब वो इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद, कहने का मतलब है इस सेट का एलिमेंट लेना है, उसमें ये ऑपरेशन लगाना है, इस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो हमको मिल रहा है आउटपुट, वो क्या होना चाहिए, वो भी उसी सेट का होना चाहिए। कहने का मतलब क्या था, कोई भी हमको जी क्रॉस जी से कोई भी एक एलिमेंट लेना है, जैसे ये ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट जी क्रॉस जी में है, इसमें हमने ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस जो भी, और भी इसके अलावा भी कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, उनको लगाया, उसके बाद हमको जो आउटपुट जो मिला वो भी हमारा किसके अंदर होना चाहिए, जी के अंदर होना चाहिए। देखिए जैसे 1 लिया 2 लिया और 1, और हमने अगर प्लस ऑपरेशन की बात करें, 1 + 2 किया, हमको क्या 3 मिला, और हमारा 3 भी क्या है, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हाँ, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस। मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप पढ़िए, और इसमें से जो भी नहीं आता है हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें पूछिए, अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो ये आज तो नॉर्मल था, ये तो सभी को आता ही होगा, और हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।